बाबा जी मेरी शादी को 7 साल हो गया है, अभी कोई बच्चा नहीं है। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, मर्यादा मने बोल नहीं पा रहे हैं, बस इतना समझिए। खुश हो बेटा। बाबा जी मेरी शादी को 7 साल हो गया है, अभी कोई बच्चा नहीं है। शादी के 4 वर्ष हो गए? 7। 7 वर्ष हो गए? आपके पति देव आए आपके साथ? नहीं आते हैं, हम अकेले कर किए हैं सब। तो अकेले कैसे होगा? वो बोलते हैं तुमको दिक्कत है, हमको नहीं है, जो भी है। अच्छा, तुमको है। ऐसा बोल दिए कि जो दिक्कत तुम्हें है उनको? हाँ। नहीं, उन्होंने कर लिया अपना परीक्षण स्वयं। फोटो है आपके पति देव की? महान आत्मा है, दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। आप आंखें बंद करो, देखिए, निकाल ली तो देखो। बहुत कलाकार आदमी, ठीक है, देख ले। इनका दिखाया जाए शरीर संतान उत्पत्ति के लिए। बैलेंस, आँख खोलो बेटा। आप में दोनों संभावनाएं हैं, हैं? अभी तो उधर ध्यान देने लगी, उसकी गंदगी निकली पति की तुम्हारे, और महान आत्मा है तुम्हारे पति, बहुत महान आत्मा। और उससे ज़्यादा तुम महान हो जो पति की इतनी चीज़ें देख करके भी तुम सब सहती हो, बाबा जी बर्दाश्त करती हो। उसके अंदर अलग रहने की, दूर रहने की स्मृति है ना? बाबा जी हम क्या करें? आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता अंदर से, बहुत महान आत्मा है। कहाँ रहते हो आप? मेरा घर जैसे रहते हैं मंगलसराय में, भभुआ जिला में रख के, बिहार में है घर। बिहार रहते हैं? अच्छा, भभुआ जिला, भभुआ, ठीक है। संतान आपको होगी? मेरा पेट फूलते जा रहे, पता नहीं क्या क्या अजीब। अब नहीं, अब तो पिचक गया है। कहाँ पिचक रहे और फूल रहे हैं? अब फूलेगा नहीं, अब नहीं फूलेगा। हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, 10-5 सीढ़ी हो जाएगा तो हम गिर जाएंगे, चक्कर आने लगता है। चलिए, दौड़िए, अभी तो चल देंगे। ठीक है, आप ठीक हो? आप बिल्कुल ठीक हो, गंदगी चली गई बेटा, आप अच्छे हो। लेपन करते रहना। लेपन कर रहे हैं, डॉक्टर बोला है IVF कराने के, नहीं ना कराना पड़ेगा। आप देखिए, दोनों चीज आप में संभावना है। ट्यूब बंद है बोल रहे हैं, दोनों ऑपरेशन भी हो गया है दूरबीन द्वारा, कहते रहे हैं। आप में दोनों संभावना है, IVF से भी, नेचुरल भी। वेट करेंगी तो नेचुरल भी हो सकता है, पीरियड नहीं आता, लेकिन IVF आपका ज्यादा सुरक्षित है। उसके लिए वो नहीं होंगे तैयार, वो तैयार नहीं है। हाँ। महान आत्मा, एक रुपया नहीं लगाते, हम कमाते हैं, खुद करते हैं, छुपा कर ये सब काम किए नहीं। हम बोले ना बेटा कि वो महान आत्मा है, पहले बताया आपको, हम बहुत महान आत्मा है। वो नहीं, खुद ही नहीं करना चाहता, वो दूर रहना चाहता है, वो बहुत महान है, क्या बोले उसके लिए। लेकिन अब IVF से आप करेंगे तो आपको हो जाएगा, बिना IVF का। अब बिना IVF के तो उसी द्वारा तो होगा, तो बात तो एक ही है। मेरा पीरियड सही से आने लगे, बस यही पीरियड सही से आने लगे, वही मेन प्रॉब्लम है, पीरियड नहीं आता है, 2 महीना, 4 महीना। क्या बोले हम आपसे, ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहे हैं हम ना, ज़्यादा हम बोल नहीं पा रहे हैं आप पति बारे में। बोलने बहुत इच्छा हो रही है अंदर से, कि इतना बोलें कि उसके कान के कीड़े झड़ जाए, ठीक है ना। हम बोल नहीं पा रहे, मर्यादा में बंधे हुए बेटा हम, इतना ही बहुत है कि अब IVF से आपका होगा। एक मेरा रिपोर्ट है बाबा, वो हमेशा पॉजिटिव आता है, थोड़ा देख लेंगे। किसका पॉजिटिव? मेरा। क्या है, कहा है? ब्लड का है। क्या है? डॉक्टर बोलिए कि ठीक नहीं होगा ये, बच्चा होगा तो बच्चे को भी होगा। लो, उसको है समस्या भयंकर, उसको है, वो अपना रोग छिपाता है। हाँ, ये रोग और कष्ट उसको है, वो छिपाता है अपना रोग तुमसे।
अब बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, मर्यादा बंधे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बस इतना समझिए। वो अपने तमाम ऐसी चीज़ें छिपाता है तुमसे, बहुत भयंकर रोगी है वो। ठीक है ना, उसको रोग बहुत है, कष्ट बहुत है, छिपाता है। उससे बोलो IVF से होगा, चलो IVF से मतलब हम करा देंगे, लेकिन पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। हम दुकान है छोटा बाबा, आशीर्वाद दीजिए कि चले हम उससे कमा कर एक साल के अंदर करा सके। सब अच्छा होगा, खुश प्रसन्न।